नमस्कार, मैं हूं गुलाब शाह और आप देख रहे हैं मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन। राजस्थान में फिर शुरू गुर्जर आरक्षण आंदोलन, रेलवे सेवाएं ठप, साथ ही 60 ट्रेनों के बदले गए रूट। राफेल मामले में एक बार फिर उठे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के सवाल, कहा ताजा तथ्यों से साफ है कि राफेल सौदे में प्रधानमंत्री कार्यालय का था हस्तक्षेप। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने की पार्टी अध्यक्ष राहुल की जमकर तारीफ, बोले भावी प्रधानमंत्री हैं राहुल गांधी। यूपी समेत दो और राज्यों में जहरीली शराब बढ़ा रही है मरने वालों की तादाद, अब तक 48 लोगों की मौत तो 46 लोगों की हालत गंभीर। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा के जवाबों से संतुष्ट नहीं हो पा रही है ईडी, आज तीसरे दौर की होगी पूछताछ। शारदा चिटफंड मामले में आज शिलोंग में राजीव कुमार से पूछताछ करेगी सीबीआई, कुमार ने चिट्ठी लिखकर शिलोंग में सवाल जवाब के लिए प्रस्तुत होने का दिया था आश्वासन। तेजस्वी यादव पर कोर्ट का वक्त जाया करने के लिए 50,000 रुपए का लगा जुर्माना, हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ जाकर तेजस्वी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी याचिका। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज वसीम अकरम ने दिया बयान, कहा इस बार का वनडे विश्व कप जीत सकता है भारत। टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने किया अपनी बायोपिक का ऐलान, फिल्ममेकर रोनी स्क्रूवाला बनाएंगे फिल्म। फिल्म एक्ट्रेस आलिया भट्ट पर फिर भड़की कंगना रनौत, कहा करण जौहर की कठपुतली हैं आलिया। अधिक खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए दिल्ली 99।